हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नमकीन मुरमुरा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये मुरमुरा नमकीन की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। नमकीन मुरमुरा बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है मुरमुरा, सिंगदाना यानी कि मूंगफली का दाना, कड़ी पत्ता, तेल, राई, लाल मिर्च यानी कि सूखी खड़ी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और ड्राई मैंगो यानी कि अमचूर पाउडर। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने कड़ाही ले लिया है। गैस को हम ऑन करेंगे और सबसे पहले उसमें हम तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। चुका है, अब हम उसमें मूंगफली को भूनेंगे। तो तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। उसी में हम ये मूंगफली डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे जिससे ये क्रिस्पी हो जाए। को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भूना है। मूंगफली में हल्की हल्की क्रेकेस आ गए हैं यानी कि ये क्रिस्पी होना चाहिए, आप थोड़ा देख लीजिएगा। कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से मूंगफली जल जाएगी और अंदर से ये कुरकुरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे हम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और एक प्लेट लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा मूंगफली ऐसे टेढ़ा करके तेल को गिरा देंगे और प्लेट में निकाल देंगे। ऐसे हम टेढ़ा करके प्लेट में निकाल देंगे। सारे मूंगफली के दाने को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी में जो एक्स्ट्रा तेल है उसे निकाल देंगे और थोड़ा सा हम तेल ले लेंगे। अब हमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है। तेल को फिर से हम गर्म कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये सूखी लाल मिर्च, तो हमने 4 लिया है। ये राई, तो हमने बारीक वाला राई लिया है, आपके पास जो अवेलेबल है डालिए। और इसे हम हल्का सा चटकने देंगे, ज्यादा जलने नहीं देना है। राई चटक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। तो ढेर सारा हमें कड़ी पत्ता डालना है। तो आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, राई सब भून चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हमें कलर पीला करना है, इसके लिए यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे चला लेंगे। गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देना है, नहीं तो हल्दी जल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरा। तो हम थोड़ा थोड़ा मुरमुरा डाल के ऐसे मिक्स करते जाएंगे जिससे सारे मुरमुरे में हल्दी का कलर अच्छे से लग जाए। और अच्छे से हम 1 से 2 मिनट तक इसे चला लेंगे। आप देख सकते हैं हमने हल्दी के साथ मुरमुरे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ मूंगफली का दाना और इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच काला नमक, आप टेस्ट के अनुसार डालिएगा, 1/4 चम्मच सफेद नमक, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, लेकिन चटपटा बनाना है तो मिर्च की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर और सभी इंग्रेडिएंट्स को हम धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरी कड़ाही भर चुकी है इसलिए मैं धीरे धीरे चला रही हूँ, आप
आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आराम से चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, कितनी बढ़िया चटपटी अपनी मसालेदार नमकीन मुरमुरा तैयार हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक कढ़ाई में ही छोड़ के फिर हम सर्व करेंगे। हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चटपटी नमकीन मुरमुरा बनकर तैयार होता है। हमने मुरमुरा की प्लेटिंग कर ली है, आप ध्यान से देखिए कितनी जल्दी चटपटी नमकीन मुरमुरा बनकर तैयार हुई है। ये खाने में तो बेजोड़ लगता ही है और टाइम भी बहुत कम लगता है। इसकी खासियत है कि बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं, तो कभी भी लाइट भूख हो या चाय के साथ मन हो तो हम ये मुरमुरा बना के फटाफट सर्व कर सकते हैं। और इसे हम ठंडा करके डब्बा में रख के 10 से 15 दिन तक नाश्ते में ले सकते हैं, ये खराब नहीं होता है और टेस्ट जैसे के तैसे बरकरार रहता है। तो फ्रेंड्स, इस नमकीन को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये मुरमुरा नमकीन की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।